नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक की भर्ती शुरू हो चुकी है और सत्रह हज़ार पदों की भर्ती आ रही है आनी थी सतानबे हज़ार पद और आ रही है सत्रह हज़ार पद अस्सी हज़ार पद कहाँ पे गए इसके बारे में जवाब देना होगा और छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि सत्तानवे पदों की भर्ती आनी चाहिए अब जो सत्रह हज़ार पदों की भर्ती आ रही है इसमें शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी किस तरह से ये भर्ती होगी क्या यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तेईस जनवरी को क्या वो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन जरूर दबाइए और अगर आपने हमारे चैनल को को सब्सक्राइब किया हुआ है और एप्लीकेशन को नहीं विजिट किया तो एप्लीकेशन को भी जाके विजिट कीजिए और गूगल प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल ऐप है जहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दोस्तों डेढ़ साल से छात्र आंदोलन कर रहे थे और उनको अब जाकर जो है इस आंदोलन का फल मिला है रिजल्ट अब आया है उनहत्तर शिक्षक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में जिसमें कि ओ को सत्ताईस प्रतिशत की जगह केवल थ्री पॉइंट एट सिक्स प्रतिशत आरक्षण मिलता है यह छात्रों का मानना है और अब सरकार जब डेढ़ साल से ये छात्र आंदोलन कर रहे थे और चुनाव उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और चुनाव शुरू होने जा रहे हैं तो छात्रों की नाराज़गी को मोल ना लेते हुए सरकार ने अड़सठ हज़ार पाँच सौ के जो पद खाली पड़े हुए थे उसमें से छः हज़ार पदों पे ओबीसी और एससी के छात्रों की नियुक्ति के लिए डायरेक्ट नियुक्ति के लिए सूचना जारी कर दी है और यह प्रक्रिया इतनी तेज़ी से हो रही है कि 6 जनवरी को इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा किसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के ओ और एस कैटेगरी के उन छात्रों को जिनको ज्वाइनिंग उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती में नहीं मिली है ऐसे छः हज़ार छात्रों को जॉब मिलेगी क्या किया जाएगा इसके लिए फिर से जो इनकी मेरिट लिस्ट है उसके अनुसार कट ऑफ बनाया जाएगा और कट ऑफ जो है ओ का और एस का अलग अलग बनेगा और उसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी फिर इनको जो है कॉलेज आवंटित किया जाएगा पूरा प्रोग्राम तैयार है और इस प्रोग्राम के हिसाब से 6 जनवरी को छः हज़ार मास्टर ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के, के छात्र बन जाएंगे तो खैर इसमें देखिए छात्रों का क्या मानना है कि भाई सत्रह महीने तक उच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन रहा सरकार बराबर कहती रही कि कोई भी विसंगति नहीं है ओबीसी का जो आरक्षण था उससे हमने बहुत ज़्यादा पद ओबीसी को दिए और अचानक जब चुनाव आता है तो ये कहती है कि नहीं इसमें तो विसंगति थी छः हज़ार पद और हम दे रहे हैं तो ये क्या होता है एक बार बोलती है कि जो कृषि कानून बने हैं वो बिल्कुल सही हैं पाक एंड साफ़ है और जो इसको लागू करने में रोड़े अटका रहे हैं वो गलत है खालिस्तानी लोग हैं वो लोग बाद में कहती है कि ठीक है कृषि कानून वापस ले लेते हैं एक बार बोलती है कि हमने ओ में कोई रिजर्वेशन घोटाला नहीं किया एक बार कहती है खुद एक्सेप्ट करती है हमने घोटाला किया है विसंगति भी अगर सरकार से विसंगति हुई है ये छः हज़ार पदों पर तो ये विसंगति का सरकार को भी तो कुछ सज़ा मिलनी चाहिए डेढ़ साल से छात्र जाड़ा गर्मी धूप बरसात में इतना संघर्ष किए हैं इतना लाठी डंडा खाए हैं इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर के काटे हैं इतना पैसा खर्च किए हैं उनको आखिर क्या मिला और उन्होंने ये सब क्यों किया किसकी गलती से किया सरकार की गलती से किया ना और उनका जो दावा है दावा कुछ और है उनका उनका दावा बोलता है कि अठारह पद थे ओ के जिसमें से चयनित कितने हुए थे दो चयनित हुए थे एस के लिए 21 परसेंट रिजर्वेशन था मिला कितना था 16.6 परसेंट पिछड़ा वर्ग आयोग में याचिका दायर की गई आयोग ने उनतीस अप्रैल 2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आरक्षण निर्धारण में विसंगति होना पाया लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने आरक्षण निर्धारण को सही मानते हुए आयोग को को रिपोर्ट भेज दी तो अब यहाँ पे जो बचे हुए पद हैं तो इसमें छात्र नेता क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारी मांग नहीं थी कि जो है छः हज़ार पद उठा के दे दिए जाए और अभी हमारे बहुत सारे पद थे जब हमारी सीटें अठारह हज़ार पाँच सौ अट्ठानबे थी और दो हज़ार छः सौ सड़सठ सिलेक्ट हुए हैं तो बाकी की सोलह हज़ार प्लस सीटें हमारी कहाँ जाएंगी और आपने छः हज़ार सीटें दी हैं और छः हज़ार सीटों में ओबीसी के साथ साथ एससी कैटेगरी के भी छात्र रहेंगे तो ये कैसे होगा इसको छात्र एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना तो छात्र छः हज़ार की जो, जो ज्वाइनिंग होने जा रही है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उसी तरफ से जो सत्रह हज़ार पदों की जो भर्ती निकल रही नई उसको भी एक्सेप्ट करने को छात्र तैयार नहीं है डी और बी छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक है और इक्यावन हज़ार पद जब सरकार ने खुद ही बोले थे कि हमारे पास खाली हैं प्लस बाईस हज़ार ये हो गया और कुछ रिटायर हुए सब मिला के नाइन्टी सेवन थाउजेंड पद थे नाइन्टी सेवन थाउजेंड पद में से छः हज़ार पद प्लस सत्रह हज़ार पद आप दे रहे हैं तेईस हज़ार पद दे रहे हैं बाकी कहाँ गए पद बाकी पद कहाँ पर गए तो उसके बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा इतने दिनों से सुपर टेट की तैयारी छात्र कर रहे हैं और तैयारी करने के साथ साथ धरना प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं और जब चुनाव आता है तो जैसे होता है ना किसी चार छः दिन से भूखे आदमी के सामने दो सूखी रोटियां फेंक दी जाती हैं चुनाव आ गया दो सूखी रोटी फेंक दी गई अब वोट मिल जाएगा ये चीज़ होती है लेकिन छात्र इसको मानने को तैयार नहीं है खैर वो बात की बात है उस पर और भी आगे चर्चा करेंगे सत्रह हज़ार पदों की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में बात करते हैं सत्रह हज़ार भर्ती जो होगी सत्रह हज़ार पदों की उसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और सुपर टेट परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा अभी लेट होगी तुरंत नहीं होगी यह परीक्षा जो तेईस जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा हो रही है उसमें जो पास होंगे कैंडिडेट वो भी इसमें शामिल होंगे उनको भी इसमें मौका मिलेगा तो इसलिए तेईस जनवरी को पहले अपना टारगेट बनाइए यूपी टेट क्लियर करने का फिर सुपर टेट बनाइए जो भी वैकेंसी है हम इसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं कि भाई कितने नाइन्टी सेवन थाउजेंड की आप मांग कर रहे हैं और सत्रह हज़ार ये दे रहे हैं भर्ती तो सत्रह हज़ार भर्ती जो भी आ भी रही है अभी वो भी आ जाए उसका विज्ञापन जारी हो जाए तब मानिए इसको ये भर्ती जब आ जाएगी तब आप इसमें आवेदन करने के पात्र हैं देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आरक्षण पीड़ित अभी शांत नहीं बैठेंगे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आरक्षण पीड़ित ओ बी अभ्यर्थियों की लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी ने उनहत्तर सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद केवल छः हज़ार अभ्यर्थियों का चयन का मौका देने पर नाराजगी जताई है चौधरी का कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित अठारह में से केवल दो पदों पर पिछले वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इसी तरह ऐसे के बारे में भी उन्होंने बोला इक्कीस परसेंट की सोलह दशमलव छः परसेंट चयनित हुए हैं उन्होंने कहा जब सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई है तो उसे पूरी तरह ठीक करना चाहिए उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने ओ आयोग की रिपोर्ट को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया है देखिए इधर से याचिका दायर की जाएगी वो तो अपनी जगह पर है लेकिन जो सरकार है सरकार अपना मनमाना डिसीजन जो लेती है वो लेती है सत्रह हज़ार पदों का विज्ञापन वो जारी कर देगी इसलिए आप तैयारी कीजिए आगे जाके भर्ती फंसेगी नहीं फंसेगी वो बात की बात है ज्वाइनिंग दो साल बाद मिलेगी चार साल बाद मिलेगी वो बात की बात है अड़सठ हज़ार पाँच सौ में आप रो रो के ज्वाइनिंग लिए हैं उनहत्तर हज़ार में इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आप ज्वाइनिंग लिए हैं सत्रह हज़ार में भी संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि प्रक्रिया पारदर्शी है ही नहीं जब इतनी सारी विसंगतियां हैं तो ये कोर्ट में लगातार चैलेंज होगा केस पर केस होंगे याचिका पर याचिका होगी हाई कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगी इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए लेकिन फिलहाल जो सामने है प्रक्रिया हमने आपको बता दी फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसी के माध्यम से ये भर्ती होगी यहाँ पे देखिए अनुप्रिया पटेल जी जो शुरू से ओबीसी छात्रों के लिए लड़ रही हैं इन्होंने आभार जताया है कि उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति दूर करने को लेकर प्रदेश सरकार के फैसले पर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है वहीं इस पर पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है वहीं ओबीसी बी सी संगठित मोर्चा के विजय प्रताप और अमरेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर आरक्षित वर्ग के छः हज़ार और अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है तो सब मिला के ये है कि स्थितियाँ अभी दो हैं छः हज़ार तो करें या ना करें याचिका करें कुछ भी करें लेकिन सरकार छः हज़ार दे रही है और सरकार ये छः हज़ार दे देगी छः जनवरी को आपको लेटर मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा अब वो छात्र कमेंट करें जो इस छः हज़ार में एलिजिबल है जिनको नौकरी मिल सकती है भाई गुणांक आपके पास है आपकी उम्मीद बनती है पिछला कितना कट ऑफ गया था अभी थर्ड इसी काउंसलिंग हुई है थर्ड काउंसलिंग में कहाँ पर आप रुके हुए हैं ये देखिए है। और उसके बाद आपका कितना गुणांक है वो देखिए और जिन छात्रों को इस मुद्दे पे और चर्चा करनी हो या अपने साथियों के साथ चर्चा करनी हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे बाकी छात्र भी हैं वहाँ पे आपकी चर्चा इससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपकी जो भी क्वेरी है जिस तरह का वीडियो चाहते हैं उस तरह का वीडियो हम आपको जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको उस विषय पर वीडियो उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती छः हज़ार शिक्षक भर्ती सत्रह हज़ार शिक्षक भर्ती संतानवे हज़ार शिक्षक भर्ती जो भी मैटर आप चाहते हैं उसके बारे में वीडियो हम आपको तो उपलब्ध करा देंगे यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद